हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में एडमिशन दी है या फिर यू जी में भी देने वाले इस वीडियो में कंपटीशन लेवल किस टाइप का इस बार रहने वाला है कितने फॉर्म फिल हुए हैं कोर्स के हिसाब से हम बताएंगे आपको सिंपली मतलब देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी दिखा रहा हूँ ये जो है आपका किसका आर्टिकल है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस का अब हम आते देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मतलब इस बार ऐसा हुआ है कि जो स्कूल में पहले हम स्कूल के ही क्लियर करते हैं स्कूल में जो फॉर्म फिल हुए थे टोटल जो है फोर्टीन थाउजेंड के आसपास हुए थे जिसमें से टेन थाउजेंड मेल है और फोर थाउजेंड के आसपास एक्सपेक्टेड फीमेल है बाकी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है सेवेंटी फोर परसेंट बच्चे हैं मतलब एडमिश एग्ज़ाम दिए थे बाकी ट्वेंटी सिक्स परसेंट बच्चे जो एबसेंट रहे हैं एग्जाम हॉल में न, ये हो गया अब इसको आज अगर बात करें आपके सवाल होंगे सर एलेवन साइंस में कितने फॉर्म फिल हुए थे आर्ट्स में कितने हुए तो उसको लेकर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा साइंस साँग में जो है साइंस में अगर आप इस इससे देखें एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ साइंस में जो है सिक्स से लेकर सेवन थाउजेंड के बीच में फॉर्म फिल हुआ है और वही अब फोर थाउजेंड के आसपास में एलेवन आर्ट्स में और कॉमर्स की बात करें तो थ्री थाउजेंड का आसपास में फॉर्म फिल हुए हैं यही फॉर्म इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल पाया है बाकी अगर एग्जाम की भी बात करें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी रस था वो इलेवन साइंस का था उसके बाद उस हिसाब से आर्ट्स के अंदर उसके हिसाब से जो अब तक डेटा मिले इस सबसे मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से नहीं बल्कि डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ तो ये बेसिकली अब अगर कट ऑफ की बात करें तो याद रखें हम सेपरेटली साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का कट ऑफ सेपरेटली वीडियो फिर से लाएंगे नंबर वन लेकिन उन सब में मेरा जरूरी है कि जिस भी स्टूडेंट चाहे वो साइंस का हो आर्ट्स कॉमर्स का हो सब अपना ना वो कमेंट करके बताएंगे सर मेरे इतना मार्क्स आ रहा है एक्यूरेट आंसर की के हिसाब से अब आते हैं आगे टोटल जो यू जी मिलाकर अगर देखा जाए तो जामे में जो फॉर्म फिल हुए टोटल एक लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए जिसमें से फिफ्टी सिक्स थाउजेंडो फीमेल है रिमेनिंग जो है वो मेल कैंडिडेट है अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट का फॉर्म कम फिल हुआ कंपेरिजन टू तो फीमेल अगर जामे में बात करें तो अब अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स है यू में तो वो उतना मैटर नहीं करता है बट इन सब में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि इस बार मतलब फॉर्म की फिल करने की बात करें तो लास्ट ईयर के से कंपेरिजन में करेंगे तो इस साल फॉर्म कम फिल हुए हैं लास्ट जो फॉर्म फिल हुआ था एक्सपेक्ट अराउंड uh, जो है मेरे ख्याल से मुझे ढंग uh, से याद नहीं आ पा रहा है बट मैं फिर से बताना चाहूँगा लास्ट जो ऑलमोस्ट डेढ़ लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे वन वन पॉइंट फाइव लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे इस बार जो है कहने के वन लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए लेकिन आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कोर्स सी में गए उसमें भी जामे का अच्छा खासा फॉर्म फिल हुआ है मतलब दस कोर्स जो जामे का सी में गया है उसमें लगभग एक लाख के फॉर्म फिल एक लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं तो आप अगर देखेंगे तो टोटल इस बार जो जामे में फॉर्म फिल हुए दो लाख के आसपास पहुंच रहे हैं खैर अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस बार कंपटीशन रहने वाला होगा यूजी प्रोग्राम में वो पॉलिटिकल साइंस का रहता है नॉर्मली आज नहीं है मतलब एक दौर चलता आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज़्यादा बी बी जरुफा है देन उसके बाद आपका बी 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 कॉम हो गया एंड उसके बाद बी एल एल बी आप कह सकते हैं बी एल एल बी को फर्स्ट पर भी रख सकते हैं क्योंकि बी एल एल बी में काफ़ी फॉर्म फिल होते हैं तो बी एल एल बी हो गया और आपका बी बी ए हो गया और बी ए पॉलिटिकल हो गया देन जोग्राफी हो गया देन उसके बाद फिर बी एड हो गया और इसके अलावा बाकी कोर्स है अब सी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कोर्स का डिमांड रहेगा तो हिस्ट्री क्योंकि हिस्ट्री जो है वो सी में जा चुका है तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है बाकी अगर हम बात करें यू जी कोर्स का तो पी कोर्स में जो कोर पे जैसे पॉलिटिकल हो गया इकोनॉमिक हो गया एम हो गया मास मीडिया मास कम्युनिकेशन हो गया इन सब का कट ऑफ जो है वो हाई रहते हैं बाकी कोर्स का कट ऑफ जो है फिफ्टी अंडर अंडर फिफ्टी रहता है इन सब का फिफ्टी प्लस भी जाते हैं ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यू कोर्स में जो है कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे जिसका पहले नाम लिया था उसका फिफ्टी से सेवेंटी के बीच में या एट एट्टी के आसपास कट ऑफ जा रहे हैं और बाकी यू अगर हम पीजी की बात करें तो अगर आप देखें तो सिंपली फिफ्टी के आसपास स्कोर मतलब कट ऑफ जा रहा है बाकी कट ऑफ़ पे वीडियोस आ जाएगी अगर आप कहेंगे तो उस पर सेपरेटली कट ऑफ वीडियो ला दिया जाएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बाकी इस साल जो है मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा पिछले साल के कंपनी इस साल भी कट ऑफ लगभग या सेम रहेगा थोड़ा बहुत का फर्क दिख सकता है घटेगा नहीं बल्कि बढ़ सकता है पिछले साल के कंपेरिजन इस साल हम यही बताना चाहेंगे बाकी जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू